इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल केस और एक लैंडमार्क जजमेंट जिसे सभी ने फॉलो किया, वो फिर से रिव्यू के लिए एपिक्स कोर्ट के सामने है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, सेम सेक्स मैरिजेस। सब जानते हैं कि सेम सेक्स मैरिजेस को लेकर मल्टीपल पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी, जिसपे 10 दिन की हियरिंग के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड लेड 5 जजेस बेंच ने इन प्रोसीडिंग्स को लाइव स्ट्रीम किया था। इस केस का मेन सवाल था कि क्या LGBTQIA+ कपल्स को शादी का हक मिलना चाहिए, जो कि इंश्योरेंस, एडॉप्शन और इनहेरिटेंस जैसे कानूनों का फायदा लेकर आता है। इन 10 दिनों की हियरिंग में लॉ चक्रा ने आपको हर एक दिन की अपडेट पहुंचाते हुए दोनों पक्षों के आर्ग्यूमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट के सवालों और इंटरवेंशन एप्लीकेशंस के थ्रू आते बाकी एप्लीकेंट्स के स्टैंड के बारे में भी बताया था। हालांकि 5 जज बेंच ने 10 दिन हियरिंग करने के बाद अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड और जस्टिसेस संजय किशन कौल, S रविंद्र भट्ट, हिमा कोहली और PS नरसिम्हा शामिल थे, उन्होंने अक्टूबर 17, 2023 को सेम सेक्स मैरिजेस को रिकॉग्नाइज करने से इनकार करने वाला वर्डिक्ट प्रोनाउंस किया था। कोर्ट ने कहा था कि लॉ जैसा आज है वो सेम सेक्स कपल्स के राइट टू मैरी या सिविल यूनियन के राइट को रिकॉग्नाइज नहीं करता और ये पार्लियामेंट पर है कि ऐसे कानून बनाए जाएं जो इसे इनेबल करे। कोर्ट ने ये भी कहा था कि लॉ सेम सेक्स कपल्स को बच्चों को अडॉप्ट करने के राइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करता। मेजॉरिटी ओपिनियन जस्टिसेस भट्ट, कोहली और नरसिम्हा ने दिया था, जिसमें जस्टिस नरसिम्हा ने एक अलग कंकरिंग ओपिनियन भी दिया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल ने अलग डिसेंटिंग जजमेंट दिए थे। हालांकि सभी जजेस ये मानने में एकमत थे कि मैरिज का कोई अनक्वालिफाइड राइट नहीं है और सेम सेक्स कपल्स इसे फंडामेंटल राइट के रूप में क्लेम नहीं कर सकते। कोर्ट ने यूनानिमसली स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रोविजंस पर चैलेंज को भी टर्न डाउन कर दिया था। लेकिन इस जजमेंट के आने के बाद कई लोग, स्पेशली LGBTQIA+ कम्युनिटी और NGOs, इस जजमेंट से नाराज दिखे थे और उन्होंने नवंबर 2023 को इसके अगेंस्ट रिव्यू भी फाइल किया था। रिव्यू पिटीशन ने क्लेम किया था दैट द मेजॉरिटी वर्डिक्ट इन द सेम सेक्स मैरिज केस हैड फोर्स queer couples to continue to live in the closet and lead dishonest lives if they wish the joys of real family. Petition ये भी कहती है कि judgment error से सफर करता है, as its effect is to deny queers the right to marry, to choose a partner of one's choice and to have a family. All privileges that are otherwise given to heterosexual couples and protected under articles 14, 19 and 21 of the Constitution of India. इस review के file होने के बाद senior counsel और former attorney general Mukul Rohtagi ने review petitions के open court hearing की मांग की थी, लेकिन 8 जुलाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने ये रिक्वेस्ट डिनाई कर दी, ये कहते हुए दैट हाउ कैन द रिव्यू इन अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मैटर बी डन इन ओपन कोर्ट, दिस हैज टू बी डन इन चैम्बर्स। और सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि रिव्यू पिटीशंस को जजेस द्वारा चैम्बर्स में सुना जाएगा। सोमवार को आए इस वर्डिक्ट के बाद सबकी निगाहें बुधवार को होने वाली इस क्लोज चैम्बर हियरिंग पर थी। सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड 5 जज बेंच ऑफ जस्टिस बीबी नागरत्ना, जस्टिस संजीव खन्ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा इन रिव्यू पिटीशंस को सुनेंगे या नहीं। इसी मैटर का इंतजार करते हुए सब हैरानी में आ गए जब उन्हें खबर मिली कि जस्टिस संजीव खन्ना ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से अक्टूबर 2023 की वर्डिक्ट के खिलाफ रिव्यू पिटीशन सुनने से रिक्यूज किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ लेड 5 जज बेंच ने रिव्यू पिटीशंस को बुधवार को 1:30 बजे चैम्बर में सुनने के लिए असेंबल किया था, लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना ने पर्सनल रीजन स्टेट करते हुए रिव्यू पिटीशंस की हियरिंग से खुद को रिक्यूज कर लिया है, जिसका मतलब है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस मैटर पर फिर से एक न्यू बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेगी। इतने लंबे समय के बाद टेकअप किया गया मैटर अब फिर से एक बेंच की तलाश में है। आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट अपने पहले के ऑर्डर पर स्टैंड करेगी या फिर उन्हें इस इशू में कुछ नया आउटलुक देखने को मिलेगा? आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जब इंटरव्यूज में इस केस जजमेंट के बारे में पूछा जाता है तो वो हमेशा ही अपने डिसीजन पर फर्मली स्टैंड करते आए हैं और उन्होंने कहा है कि उन्हें कोई रिग्रेट नहीं है। PTI न्यूज एजेंसी ने जब उनसे इसके बारे में एक इंटरव्यू के दौरान पूछा था तो उन्होंने कहा था, हैविंग डिसाइडेड अ केस आई लीव इट एट दैट एंड आई लीव इट फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर सोसाइटी टू जज व्हाट कोर्स द सोसाइटी शुड टेक। द LGBTQ कम्युनिटी हैज फॉट अ लॉन्ग एंड हार्ड बैटल इन रियलाइजेशन ऑफ देयर राइट्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट। देयर वाज अ वॉटरशेड इन दैट एवोल्यूशन व्हेन द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड नवतीश सिंह जौहर, दैट इज डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंसेंशुअल गे सेक्स। द रीसेंट जजमेंट वाज अ जजमेंट वेयर द LGBTQ कम्युनिटी sought direction to right to marry. I am not going to comment on the merits of the judgment. जहां एक तरफ CJI led बेंच ने अपना फैसला सुना दिया था, वहीं अगर रिकॉल करें तो पिटीशनर्स ने आर्ग्यू किया था कि शादी से बहुत सारे राइट्स, प्रिविलेजेस और ऑब्लिगेशंस मिलते हैं जो लॉ द्वारा प्रोटेक्ट किए गए हैं। सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा था कि नॉन हेटरोसेक्सुअल कपल्स के लिए शादी का हक आर्टिकल 14 इक्वालिटी, 15 नॉन डिस्क्रिमिनेशन,
16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच और 21 राइट टू लाइफ में इम्प्लिसिट है। स्पेशली नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 केस के फैसले के बाद, जहां होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया गया था, और केएस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में, जहां फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी को अपहोल्ड किया गया था। रोहतगी ने एम्फसाइज किया था कि सिर्फ स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को अमेंड करके मैन एंड वुमेन के बदले स्पाउसेस लिखना काफी नहीं होगा। उन्होंने सजेस्ट किया कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज इक्वालिटी जरूरी है ताकि समाज सेम सेक्स मैरिजेस को एक्सेप्ट करे। रोहतगी ने ये भी पॉइंट आउट किया था कि स्पेशल मैरिज एक्ट का सेक्शन 4 जेंडर न्यूट्रल टर्म्स का यूज करता है, जैसे एनी टू पर्संस। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सेक्शन 5 के 30 डे नोटिस पीरियड को हटाने की बात कही थी, जो कि अनवारंटेड इंटरफेरेंस को इनवाइट करता था और इंडिविजुअल प्रिवेसी और ऑटोनॉमी को वायलेट करता है। सिंघवी ने नॉन हेटरोसेक्सुअल कपल्स के लिए मिनिमम मैरिजेबल एज के बारे में भी कहा था, जहां लेस्बियन कपल्स के लिए 18 साल और गे कपल्स के लिए 21 साल प्रपोज किया गया है। सीनियर एडवोकेट सौरभ कृपाल ने कंटेंट किया था कि स्टेट इम्प्रैक्टिकलिटी के ग्राउंड्स पे मैरिज इक्वालिटी डिनाय नहीं कर सकता, क्योंकि डिस्क्रिमिनेटरी लॉज स्टेट द्वारा ही बनाए गए थे। आखिरी दिन पे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने एम्फसाइज किया था कि सिविल यूनियंस सेम सेक्स कपल्स के डिमांड का इक्वल ऑल्टरनेटिव नहीं है। उन्होंने आर्ग्यू किया था कि सिविल यूनियंस कॉन्स्टिट्यूशनल एनोमलीज को एड्रेस नहीं करती, जो नॉन हेटरोसेक्सुअल कपल्स को शादी से एक्सक्लूड करती है, और ये एक्सक्लूजन मैसेज देता है कि हेटरोसेक्सुअल और नॉन हेटरोसेक्सुअल कपल्स के कमिटमेंट्स में डिफरेंशिएशन सही है। इतने स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स के बाद जब लगने लगा कि शायद सुप्रीम कोर्ट पिटीशनर्स के हक में फैसला सुनाएगी, वहीं रेस्पोंडेंट की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स और जमायत उलमाए हिंद ने पिटीशन को अपोज किया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन पे प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन उठाए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेबिलिटी को बाद में डील किया जाएगा। मेहता ने आर्ग्यू किया था कि 160 लॉज पे इम्पैक्ट पड़ेगा अगर मैरिज इक्वालिटी इंट्रोड्यूस की गई, और पार्लियामेंट ही ऐसे चेंजेस के लिए अप्रोप्रिएट फोरम है। उन्होंने कहा था कि लॉ मेकर्स ने कॉन्शियसली स्पेशल मैरिज एक्ट को सिर्फ हेटरोसेक्सुअल मैरिजेस के लिए बनाया था, और इसका कैरेक्टर और इंटेंट कोर्ट द्वारा ऑल्टर नहीं किया जा सकता। मेहता ने स्पेसिफिक राइट अंडर SMA को हाईलाइट किया जो सेम सेक्स कपल्स पे प्रॉब्लमेटिक होंगी, जैसे कि एक वाइफ को डाइवोर्स सीक करने का हक अगर उसका हस्बैंड रेप, सोडोमी या बेस्टियलिटी का दोषी है। उन्होंने पूछा कि ऐसे राइट्स सेम सेक्स मैरिजेस के केस में कैसे एलोकेट किए जाएंगे। मेहता ने आर्ग्यू किया कि स्टेट का एक लेजिटिमेट इंटरेस्ट है मैरिजेस को रेगुलेट करने में, साइटिंग एज ऑफ कंसेंट, प्रोहिबिशन ऑफ बायगैमी और प्रिस्क्राइब डिग्रीज ऑफ मैरिज। मेहता ने फ्यूचर चैलेंजेस की बात की जो इंसेस्ट प्रोहिबिशंस को चैलेंज कर सकती है बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट्स ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन और ऑटोनॉमी। सेंटर ने एक कमेटी बनाने का सजेशन दिया जो कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर होती, ताकि सेम सेक्स कपल्स के ह्यूमन कंसर्न्स को एड्रेस किया जा सके बिना उनकी रिलेशनशिप को लीगली मैरिज रिकॉग्नाइज किए। लेकिन पिटिशनर्स ने इस मेजर को इनसफिशिएंट कहा। जमायत उलमाए हिंद के रिप्रेजेंटेटिव सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने आर्ग्यू किया कि कोर्ट डिक्लेरेशन से सेम सेक्स मैरिज को वैलिडेट करना डेंजरस है, क्योंकि पार्लियामेंट शायद इस पे कुछ नहीं करेगी। उन्होंने एम्फसाइज किया कि स्पेशल मैरिज एक्ट हेटरोसेक्सुअल मैरिजेस के लिए है और कोर्ट इसको मिस इंटरप्रेट नहीं कर सकता। अब आप ही सोचिए, जहां दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स इतने स्ट्रांग हो, वहां सुप्रीम कोर्ट का इसको डिसाइड करना कितना मुश्किल रहा होगा। और एक बार फिर से वैसा ही माहौल वापस से कोर्ट में बनता हुआ नजर आ रहा है। सो लेट्स वेट एंड सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इन दिस केस।